हेलो गाइस, हम लोग देखिए फाइनली भूर्मी सब निकल चुके हैं जयराम के लिए। अब भूर्मी सब लोग घर जाएंगे जयराम। जयराम जो है से यहाँ से लगभग 15 किलोमीटर होगा जयराम। आप लोग देखिए यहाँ पे भूर्मी के फिर से आप लोग को स्वागत है एक नए ब्लॉग वीडियो में। तो आप लोग हमारे इस ब्लॉग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। जो अब घूर्मी से जो रास्ता होगा जयराम के लिए वो आधा रास्ता जो है सो अभी बाइक ऊपर चढ़ेगा पहाड़ की तरफ, ऊपर की तरफ चढ़ेगा बाइक, फिर जो है सो आधे के बाद नीचे की तरफ जाएगा जहाँ से हम लोग ढलकेंगे नीचे की तरफ जयराम जाने के लिए। चलिए आपको हम रियर कैमरा चालू करके यहाँ का दृश्य दिखला रहे हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, आप देखिए एक नदी है यहाँ पे, ये जो आपको शायद खुला दिख रहा है ये इससे पहले झुलंगा पुल था, अब ये पुल बन करके बिल्कुल तैयार हो गया है। इससे कम पानी इसमें कभी नहीं होता है। घूर्मी के पास ये नदी है, यहाँ का पहाड़ देखिए कितना ऊपर है। बाइक को ड्राइव करके इस पहाड़ के ऊपर ले जाना है, जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे वैसे वैसे पहाड़ ऊपर चले जाएगा, क्योंकि इस पहाड़ को कटिंग करके रास्ता बनाया गया है। रास्ता भी आप देख रहे हैं कितना खराब रास्ता है। भूमि से जयराम तक में रास्ता ऊपर से है, वहाँ तक पिचिंग किया गया है, क्योंकि इससे पहले पिछले साल भी गणेश महादेव मंदिर आए थे। रास्ता बना हुआ है, एक रास्ता इस तरफ से, जैसे जैसे पहाड़ है रास्ता उसी तरह से कटिंग करके पहाड़ को बनाया गया है। नीचे यहाँ से कितना छोटा सा दिख रहा है बाइक, ऐसे लग रहा है कि आपको कैमरा में दिख रहा होगा। तो गाइस आप यहाँ पे लिखा हुआ देख रहे हैं, यहाँ से हलेसी जाने के लिए आपको राइट लेना पड़ेगा। अगर आप लोग यहाँ से ऊपर चले जाइएगा इस तरह से, ये चला जाएगा सीधा काठमांडू ओखट झूला, लेकिन यहाँ से ऊपर नहीं जाना, आपको यहाँ से नीचे आप जाना है। अब यहाँ से नीचे जाना है और यहाँ सिर्फ नीचे जाना है, नीचे ही नीचे जाना है। अब यहाँ चढ़ाई बिल्कुल नहीं है, अब यहाँ सिर्फ गाड़ी ढलान में जाएगा। यहाँ पर देखिए बाइक नीचे की तरफ जा रहा है।
जितना हम लोग घुरनी से यहाँ तक आने में ऊपर चढ़ाए हैं बाइक को, उतना अब आपको नीचे ले जाना पड़ेगा। 4-5 किलोमीटर बाइक चलेगा सिर्फ और सिर्फ नीचे की तरफ। कितना रोड नीचे में रोड बना है, इस तरह से बाइक नीचे की तरफ जा रहा है, सिर्फ और सिर्फ आपको ढलान रोड मिलेगा यहाँ। रोड पहाड़ से नीचे की तरफ उतर रहे हैं, जो हमने रोड बना हुआ है इस तरह बना हुआ है। आप यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ से नीचा है। हम लोग फाइनली पहुँच चुके हैं जयराम हिलो पानी, जिसको दूध कोसी भी बोलते हैं, हिले पानी भी बोलते हैं इसको। चलिए आपको हम यहाँ का दृश्य दिखला रहे हैं। यहीं पे था एक झुलंगा पुल, बाकी तो इधर इससे पीछे टूटल पुल बन चुका है, लेकिन यहाँ पे अभी तक था झुलंगा पुल। जो एक पाया जो है पुल का इस साइड पहाड़ में बांधा गया था, तो दूसरा पाया जो है उस तरफ पहाड़ में बांधा गया था। अभी देखिए यहाँ पे पुल बंद करके रेडी हो गया, इस पुल में भी एक भी नीचे से आपको पाया देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पे थोड़ा हम लोग वेट करेंगे और आपको यहाँ का पुल वीडियो दिखलाएंगे। यहाँ पे भी अटैच किया गया। तो गाइस देखिए यही है वो झुलंगा पुल, आप देख रहे हैं इसके नीचे कितना ज़्यादा पानी का करंट है, पानी कितना रफ्तार में है, आपको शायद कैमरा में दिख रहा होगा। यही वो झुलंगा पुल है जो हम लोगों को पार करना पड़ता था। अभी तो यहाँ पे देख रहे हैं पाया वाला पुला बन गया, लेकिन इस पुल के भी अंदर आपको एक भी पाया देखने को नहीं मिलेगा। इस पुल के ऊपर से बाइक लेकर के जाना पड़ता था, अब देख रहे हैं यहाँ पे इस पुल के ऊपर से बाइक लेकर के जाना पड़ता, यही है वो झुलंगा पुल जयराम का, इसको हम दूध कोसी भी बोलते हैं। देखिए यही है वो झुलंगा पुल, ये पुल जो है सो बन करके काफी कंप्लीट हो चुका है। ऊपर से इस पुल में भी पाया दिया गया है, यहाँ पर आप देख रहे हैं जो यहाँ पे पिचिंग करके पुल में ढलाई करके पुल बनाया गया है, लेकिन इस पुल के अंदर भी एक भी पाया नहीं है, वो यहाँ पे बांधा हुआ है पहाड़ से। और दूसरी तरफ आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे देखिए किस तरह से कितना बड़ा बड़ा मोटा सा कनी के ऊपर से पुल बनाया गया है। इस पुल के ऊपर से 4-व्हीलर 2-व्हीलर सभी बाइक जाता है। इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं, अब मिलते हैं फिर आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो में।